प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोरखपुर मंडल के विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की तथा निर्देश दिए कि निर्माण कार्य गुणवत्ता युक्त एवं समयबद्ध ढंग से पूर्ण किया जाए। यदि कहीं भी निर्माण विकास कार्यों के प्रति लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित की जिम्मेदारी तय करते हुए उसके विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने गोरखपुर वाराणसी मार्ग निर्माण की धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि मैन पावर बढ़ाकर कार्य में तेजी लाएं तथा समय सीमा निर्धारित की जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि लापरवाही पाए जाने पर दायित्व निर्धारित करते हुए संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि आम जनता के आवागमन की सुविधा के दृष्टिगत लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने एम्स के निर्माण की धीमी प्रगति पाए जाने पर कार्यदायी संस्था को निर्देश दिया कि कार्य में तेजी लाई जाए, क्योंकि एम्स के बनने से पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश लाभान्वित होगा। बताया गया कि जून 2021 तक एम्स का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कार्य में कोई परेशानी व्यवधान आता है तो उसे स्थानीय प्रशासन को अवगत कराएं तथा कार्य समय से पूर्ण करें। हर विकास योजना की समय सीमा तय की जाए और यदि विकास कार्य में कोई व्यवधान समस्या मनमानी करता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखा जाए। हिंदुस्तान रसायन उर्वरक लिमिटेड की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मैन पावर बढ़ाकर कार्य में तेजी लाएं। बताया गया कि जुलाई 2021 तक कार्य पूर्ण हो जाएगा। भौतिक प्रगति 90% की बताई गई। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कनेक्टिविटी, सुरक्षा आदि की समुचित व्यवस्था अति शीघ्र की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंसेफेलाइटिस प्रभावित गांवों में हर घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कार्य योजना तैयार की जाए, क्योंकि इंसेफेलाइटिस को रोकने के लिए जनमानस को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहारों के पहले सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए तथा हर परियोजना के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए गुणवत्ता युक्त कार्य पूर्ण कराया जाए। बाढ़ से बचाव के कार्यों को प्राथमिकता से कराया जाए। पर्यटन के विकास के दृष्टि से शहीद स्थलों स्मारकों का सौंदर्यीकरण करते हुए चौरी चौरा में लाइट एंड साउंड शो की योजना बनाई जाए। तहसील समाधान दिवसों का ये आयोजन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने स्मार्ट सिटी के रूप में गोरखपुर को विकसित करने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि हर चौराहे पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए तथा आवश्यक सुविधाओं हेतु प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किया जाए। गोरखपुर जनपद में बन रहे क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के बी चरण का कार्य 30 दिसंबर तथा ए श्रेणी का कार्य दिसंबर तक पूर्ण हो जाएगा। जिलाधिकारी केविजन पांडेय ने बताया कि जनपद में 10 से 50 करोड़ के मध्य लागत के निर्माण कार्य की संख्या कुल 37 है कि प्रगति के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी दी। जिलाधिकारी ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, करेत्तर राजस्व वसूली, मनेरगा विधायक निधि, संसद निधि, हर घर नल योजना, सड़कों के निर्माण अनुरक्षण, प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, रामगढ़ताल के सौंदर्यीकरण आदि के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने सांसद कमलेश पासवान, रवि किशन शुक्ल तथा विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, विपिन सिंह, फतेह बहादुर सिंह, संगीता यादव, महेंद्र पाल सिंह, डॉ. विमलेश पासवान से भी वार्ता कर उनके संसदीय विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। सर, इसमें सबसे पहले 50 करोड़ से अधिक लागत की जो परियोजनाएं हैं, सर इसमें जो राज्य सरकार से जो प्रकाशित है, मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। सर नंबर वन, सर जो हमारा गोरखपुर का क्लियर है, इसकी सर टोटल लागत 235 करोड़ है। इसके सापेक्ष में सर जितना सिविल कंस्ट्रक्शन का काम था वो सारा पूर्ण हो गया है, और ये जो इसके सर कुछ गाड़े हैं उनका काम चल रहा है, ये सर अगले 10 दिन में पूर्ण कर लिया जाएगा। इसमें करीब सर 215 प्रथम चरण में पशु रखे जाएंगे, टोटल क्षमता इनकी 387 की है। सर इसमें सर जू समिति का एक कार्य चल रहा है जो वन विभाग से किया जा रहा है, और इसमें एक उसके पास में सर 150 एकड़ की भूमि है
जिस पर एक निर्णय दिया जाना है सर, जिसको उनके क्षेत्र में हम ला सकते हैं। ये सब इसके कुछ चित्र हैं जो सर सरा निर्माण भी हैं सर। आगे बढ़ते जाएंगे सर। सर दूसरी स्थिति सर प्रेक्षा गए कि सर उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय निर्माण निगम इसे बना रहा है सर, ये कार्य सर दिसंबर 20 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। ये लगभग 49.5 करोड़ की लागत से है सर। इसमें सिर्फ सर एक अनुरोध ये किया जाना है, इसका निर्माण कार्य थोड़ा सा बीच में शुरू हुआ था सर, ठीक है। इसमें सर 306 लाख के लगभग सर संस्कृति विभाग से उपकरण आने हैं सर, उपकरण फर्नीचर स्पेशली फर्नीचर सर, इसको भी सर इमीडिएटली तय करना जरूरी है, जैसे कि दिसंबर तक सर हम लोग पूर्णतया इसे क्रियाशील करते हैं। सर दूसरा निर्णय की सर क्रियाशीलता से संबंधित है, यदि प्राप्त सर्जन का प्रस्ताव यहाँ से भेजा गया है, अदरवाइज सर शासन के निर्देश के क्रम में इसे प्राधिकरण या नगर निगम के द्वारा भी क्रियाशील। इसकी सर बीआरडी मेडिकल कॉलेज की है जिसमें 500 संस्थान संस्थान इसके सर करीब 285 करोड़ की ये लागत है और इसमें 20 करोड़ जो उपकरण भी है, ये कार्य लगभग पूर्ण हो गया है सर, जिसमें आपने 300 बेड की कोविड फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। इसमें सर मैन पावर में जल्द से 30 पद नर्सों के और 81 पद शैक्षणिक सर क्रिएट हो गए, कुछ पदों को और सृजित किया जाना है सर। निम्स सर राजकीय मेडिकल कॉलेज देवरिया है, ये सर 207 करोड़ की लागत से सर काम आरम्भ हुआ है और इसमें सर लगभग 35% काम इसका हो गया है और हमारा प्रयास ये है कि सर दिसंबर 2020 तक हम इसमें वो सारे कार्य प्राथमिकता से रूप में कर लें जिनकी वजह से हमें एलोकी मिल सके और वो सारे कार्य डिस्काउंट करते हैं सर हमारी गाड़ी और मैं स्वयं भी इसको मॉनिटर करता हूँ। और सेकेंड ईयर तक के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करवाना है ये श्रेणी ए की है जिसमें सर 3 ब्लॉक है ए बी सी, इसका प्रथम चरण का जो काम है करीब सर 33 करोड़ 21 लाख की लागत से ये सर कंप्लीट हो गया है। इसका सर दूसरा चरण जो है उसमें बेसिकली डीएनए यूनिट है सर, 7 लोगों ने सर ज्वाइन किया है, 15 लोगों की और आवश्यकता है जिससे कि 6 सेक्शन पूर्णतः क्रियाशील किए जा सके और सर एसी एवं कुछ सुप्रीमों की आवश्यकता है जिसके लिए पत्र गृह विभाग को लिखा गया है, सितंबर में ही लिखा गया है। इसमें आयोग जो कॉस्ट सर्विस कमीशन दोनों ही हमको आदमी दे देंगे, फिलहाल आपको काम करने के लिए पूरा दे देंगे, इक्विपमेंट का भी जेम पोर्टल से खरीद हो रही, कोशिश हमारी है कि 15 अक्टूबर तक सब कुछ हम आपको दे दें, रिमाइंड कर दीजिए। बाकी कार्य कर लिया गया है, बाकी कार्य सर हम मार्च इतना तक कर देंगे, बैशाल और गुरापुर में कुछ आरोप है जिसमें जल निगम का नाले का काम हो रहा है उसकी वजह से नहीं हो पाया। ओवरऑल सर करीब क्या समस्या है इसमें प्रॉब्लम सर, नेक्स्ट रोड सर महाराष्ट्र और यदि सर आपके निर्देश के चलते 570 करोड़ की मॉडल रोड विकसित की जा रही है गोरखपुर में सर, और ये सर जो गोरखपुर पोर्शन है ये सर हम दिसंबर इसी वर्ष दिसंबर तक पूर्ण कर लेंगे और बाकी सर कार्य की प्रगति लगभग 88% इस वक्त है और सर आशा करते हैं कि इसको मार्च 21 तक हम पूर्ण करेंगे। वहाँ पे जल जमाव की कोई समस्या तो नहीं सिटी में? सर जल जमाव की समस्या नहीं है सर, और क्योंकि सर कुछ खुदाई नहीं हुई थी तो उसमें थी नहीं सर, ओवरऑल सर इसको जो जीए ने स्टॉर्म ड्रेन का सर एक स्टडी सर्वे कराया था उसके अनुसार ही उसके अनुसार ही बना रहे हैं। जो ये अस्पताल से मेडिकल कॉलेज और वहाँ से फिर महाराजगंज पर्दावल के लिए जो मार्ग बन रहा है सर, तो
सिटी के अंदर इसमें फोर लेनिंग का जो कार्य चल रहा है, इसमें नाला भी बन रहा है साथ साथ। तो जिस दौरान नाला बनेगा उस दौरान वहां पर स्वाभाविक रूप से जो अन्य अगल बगल के मोहल्ले हैं उनके जल निकासी की समस्या का समस्या आती है। अनावश्यक रूप से लोगों को राजनीति करने का अवसर न मिले, इसको लेकर के नगर निगम को भी और पीडब्ल्यूडी को पहले से इसके बारे में देख करके मैंने पिछली बार ये कहा था कि जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, इसको एक बार देखें। इसके बाद सर गोरखपुर अम्बेडकर नगर के बदले सर एक कैनिया घाट पर पक्के पुल का ऐसा अप्रोच है, ये पीडब्ल्यूडी बना रहा है सर, ये लगभग पूर्ण हो गया है सर। इसके अलावा सर अप्रोच था सर, ये पक्के पुल पर अप्रोच हो गया सर, है इन्होंने बुलाया सर, 2 महीने में फोन कर सर। ये देवरिया में सर लोक निर्माण विभाग का घाटा नदी पर सेवा है सर, और ये सर इसकी लागत 73.2 करोड़ है, और इसकी भी इसका प्रोग्रेस सर करीब 65% है, और इसको भी सर इसमें सर करीब 1 महीना का समय लगेगा। इसमें क्यों आ गया है, इसमें क्यों लगी चिंता सर? देख रहे हैं इसमें क्या इसे आगे बढ़ाएंगे सर। इसके अभी तक करीब लगभग 70% का कार्य हो चुका है सर, इसके प्रोग्रेस सर, ये सिंचाई विभाग का स्पीड बढ़ाई है, इसमें सिंचाई विभाग का है, इसको थोड़ा तेजी से करना है क्योंकि वहाँ के पूरा विकास खंड जलमग्न हो जाता है, इसलिए हर हाल में प्रयास करें वही 2021 तक इसको कंप्लीट कर पाए। वाटर पार्किंग का क्षेत्र है, ठीक है आगे सर। ये 12वें नंबर पर सर देवरिया में बरहस तस्वीर में ये बाढ़ सुरक्षा का कार्य है सर, ये सर 69 करोड़ का कार्य है, इसमें सर राशि कम हुई है सर, इस वजह से ये सर बहुत चल रहा है सर, ठीक है। इसके बाद सर बढ़लगंज में राजकीय हुनर अधिक कार्य है सर, ये आयुष विभाग का है सर, ये करीब 96% इसकी भौतिक प्रगति है सर, मेन काम हो गया है सर। इसमें सर यही निवेदन है सर कि इसमें जो संहिता पर सर 2018 से लीडर और जो कुछ पद रखे गए थे सर, उनको सर इस साल जून से सर उनका नवीनीकरण ना किए जाने की वजह से जो प्रथम की सत्र के बच्चे 91 बच्चे लास्ट ईयर से आए हैं, उनका सर नवंबर में जो पहले ईयर का एग्जाम मिला वो उन्होंने दिक्कत हो गई सर। मुख्य कार्य 195 करोड़ का था, प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण, ये जल निगम ने कार्य किए। दूसरा कार्य सर 1 किलोमीटर का नया सवैया का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया था, और गोल्डन पिचिंग का कार्य है, इसमें सारी कार्य पूरे हो गए हैं सर। गोल्डन पिचिंग का कार्य थोड़ा सा विलम्ब हुआ जी डी के आदेश की वजह से, इसे आगे बढ़ा दिया गया है सर, 2 महीने में सेकंड पूर्ण कर। इसमें सर निवेदन ये है कि उत्तरी छोर के लिए सर 34 करोड़ का जो 11 नालियां मिल रही है उनको टैप करने के लिए सीवेज का प्रपोजल सर 34 करोड़ का भेजा गया है, इसमें यदि शासन से निर्देश प्राप्त होगा तो ये कार्य रखा सर। सर तत्पश्चात केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं हैं जो वहाँ से प्रदर्शित है सर, इसमें गोरखपुर है सर, कुछ शुरुआत में दिखते रही है उस वजह से काम देरी से हुआ कुछ शुरू करने में,
कि हॉस्टल और रेजिडेंस ब्लॉक ना रेजिडेंशियल ब्लॉक ना बिल अभी 70% काम कंप्लीट हो चुका है। परेशानी हो रही है जो वहाँ पे एडमिशन दिए आपने देखा ये कब तक आप इसको कंप्लीट करेंगे?